द रिपोर्टर डिजायर टू नो। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोज वाइन अब आपके नजदीकी शॉप में कैसे, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर। बियर शॉप्स आजकल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, अब वो गांव गांव तक दिखने लगे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार एक घोषणा कर सकती है वाइन को लेके। कैसे? तो महाराष्ट्र सरकार की बदली हुई नीति के कारण। हाल ही में सरकार ने विदेशी शराब का जो आयात शुल्क है वो कम किया है। इसके कारण संभावना है कि महाराष्ट्र में जो शराब की कीमतें हैं उसमें गिरावट आ सकती है। इसके साथ और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वाइन सिर्फ बार या फिर शराब की दुकान में उपलब्ध नहीं रहेगा, अभी वो ज़रूरत की, जो दैनिक ज़रूरतों की सामान की दुकान है, जैसे कि बेकरी हो या फिर ग्रॉसरी शॉप हो, वहाँ पे भी उपलब्ध हो सकती है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो वाइन में अल्कोहल का प्रमाण होता है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे अल्कोहल के कारण कम होता है। इसके कारण और एक फ़ायदा सरकार को हो सकता है, 5 करोड़ रुपए तक का जो टैक्स है वो सरकार को मिल सकता है। प्रेजेंट में 70 लाख लीटर की खपत की जाती है दारू की, और इस नीति के कारण आने वाले दिनों में 1 करोड़ तक की खपत हो सकती है। लेकिन घोषणा करी क्यों थी? सबसे पहले तो अधिकतम मात्रा में वाइन की बिक्री हो, इसलिए नई नीति लागू की है। उसी के साथ ही जो दो बारों के बीच में 200 मीटर की दूरी का कंपल्शन था वो हटाया गया है। अभी हर लीटर के पीछे 10 रुपये एक्साइज टैक्स लिया जाएगा। उसी के पीछे कारण ऐसा भी है कि कितना माल बिकता है, कितनी खपत बढ़ती है या फिर कितनी डिमांड बढ़ती है, इसका अंदाज़ा लगाना इजी हो जाएगा। पहले जैसे बियर के कैंस थे या फिर बॉटल्स थे, अभी वाइन भी कैन या फिर बॉटल में बेचे जाएंगे। देश में सबसे ज़्यादा अंगूर की पैदावार वो महाराष्ट्र के सांगली और नासिक में की जाती है, और इन्हीं अंगूर के बलबूते पर नासिक में वाइन इंडस्ट्री भी खड़ी की गई है। अगर कंज्यूम रेट देखा जाए तो बियर या फिर बाकी के शराब का सेवन ज़्यादा किया जाता है वाइन के मुकाबले। सिर्फ हायर मिडिल क्लास पीपल हो या फिर हायर क्लास पीपल हो, वही इसका सेवन करते हैं। इसके पीछे का कारण भी है कि वाइन महंगी है, और उसके क्वालिटी और उसके ब्रांड के कारण। नासिक में वाइन इंडस्ट्री अभी युवा अवस्था में है, और सरकार के इस फैसले के कारण कुछ बदला होगा, इसकी आशा की जा रही है। मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे थे द रिपोर्टर। The reporter desires to know.